गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में SRF और YP2 की वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे SRF की पोस्ट के बारे में। SRF की नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो दो पोस्ट SRF की निकली हुई है। जिस प्रोजेक्ट में ये वैकेंसी है उस प्रोजेक्ट के PI है डॉक्टर अलका सिंह। SRF के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, फिशरीज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स विद 4 or 5 year बैचलर डिग्री। कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद 3 year बैचलर डिग्री एंड 2 year मास्टर डिग्री शुड हैव नेट क्वालिफिकेशंस एंड 2 year ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। यदि किसी कैंडिडेट के पास में 3 साल की बैचलर डिग्री के साथ 2 साल की मास्टर डिग्री होगी तो उन कैंडिडेट के लिए 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस और नेट कंपलसरी होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहेगी SRF के लिए नॉलेज ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस इन यूज ऑफ स्टैटिकल सॉफ्टवेयर फॉर डाटा एनालिसिस में। यदि एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को SRF की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। सेकंड वैकेंसी YP2 की है, जो कि एक ही पोस्ट है। इसके लिए ₹35,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। इसमें कोई DA या HRA अलग से नहीं दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें YP2 के लिए तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स और इक्विवेलेंट मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें YP2 के लिए तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में राइटिंग और कम्युनिकेशन स्किल हिंदी इंग्लिश में गुड प्रोफिशिएंसी होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की वैकेंसी के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। ये जिस प्रोजेक्ट में वैकेंसी है उस प्रोजेक्ट के भी PI डॉक्टर अलका सिंह है। ये इन दोनों पोस्ट के लिए कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है दोनों पोस्ट के लिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में इसकी हार्ड कॉपी निकलवाएंगे और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका एक सिंगल सेट बना लेंगे फोटो कॉपी करा करके। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उस हार्ड कॉपी को साथ लेकर के जाएंगे। इसके अलावा आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को भी साथ लेकर के जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। तो इन दोनों पोस्ट के लिए यानी SRF और YP2 की वैकेंसी के लिए जो इंटरव्यू IRI के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में होंगे वो 19 जनवरी को होंगे। 10 बजे के बाद में IRI के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में स्टार्ट हो जाएंगे। इसका रिपोर्टिंग टाइम 9:30 का रहेगा, यानी कि इंटरव्यू से आधा घंटा पहले आपको IRI के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में इंटरव्यू के लिए पहुंचना होगा। इस प्रकार से आप IRI के डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में SRF और YP2 की वैकेंसी के लिए इंटरव्यू 19 जनवरी को 10 बजे के बाद में दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप IRI की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें।